कहाँ से है बाबू? यूपी आजमगढ़ से। आप? यूपी आजमगढ़। दोनों भाई साथ में आए? राजस्थान बीकानेर। बीकानेर से। आप बाबू? झारखंड से, गढ़वा जिला। गढ़वा से आए। पापा हैं आप? जी। बाबू जी आप किसके साथ आए? मेरे साथ। बाबू राजस्थान जी। बेटा बहुत दूर आए हैं आप, बहुत सारी एकेडमी अपने देश में, लेकिन आप इतने दूर कैसे आए? सर मुझे आपका जो सर पहले से इंस्टाग्राम पे वीडियो हर जगह अपलोड करते हैं, मुझे आपका बहुत पसंद है जी। हर जगह से आप और भी लोग करते हैं ना, अपने में और दूसरे में क्या अंतर है? सर आप में, सर आप यहाँ से बहुत लोग क्वालिफाई हुए हैं, आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा टीच करते हैं, इसलिए। बाबू का ही तैयार करना, बाबू के साथ में जाओ। चलो बाबू का ही तैयार करना है, आर्मी आर्मी तैयारी करें, फौज में जाना है। यस सर जी। ये जुनून कहाँ से आया? बस आपको देख के हौसला मिला। चलो सो प्राउड ऑफ यू बाबू जी। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप जिस उम्मीद, जिस आशा से, जिस लक्ष्य को लेकर आप बच्चों को लेकर आए हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि बेटा आपका यहाँ से फौजी बनकर जाएगा। बस इसको 6 महीना मेरा कहना मानना, बस केवल 6 महीना। सगड़ी मेहनत करना, रियली बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, तो मेरे बताए मार्ग बचे रहे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको फौजी बनने से नहीं रोक सकती। दोनों टाइम ग्राउंड, दोनों टाइम क्लास, बढ़िया सब कुछ भूल जाओ, दोनों टाइम शाम सुबह मम्मी पापा से बात कर ली और खेल कर पाओ, समझ रहे बात को जी। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार यादव। शुभम भाई झारखंड से आए हैं आप, बहुत दूर से आए हैं आप, बढ़िया मेहनत करना है ना, और कोई भी दिक्कत परेशानी हमको बताने का ना, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो सुबह मॉर्निंग में आपको 4 बजे उठाएंगे, 4 बजे आप उठ जाएंगे, बढ़िया फ्रेश वगैरह हो लेंगे, 5 बजे आपको एनी हाउ कंडीशन मैदान पहुंचना है। कितनी बजे? 5 बजे। और कभी कभी 4 बजे ग्राउंड पहुंचना पड़ता तो 3:30 बजे उठा दिया जाता है ना बेटा हमारा शेड्यूल। जैसे आज ब्रिज वर्कआउट करा रहे हैं, है ना, कल स्टेमिना रनिंग करवा रहे हैं, कभी क्रॉस कंट्री करवा रहे हैं, कभी स्प्रिंट लगवा रहे हैं, तो हर दिन वर्कआउट अलग अलग होता है, तो अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग समय पर बुलाया जाता है, किसी दिन ज़्यादा समय लगता है, किसी दिन कम समय लगता है, समझ रहे हो। और सुबह मॉर्निंग में क्लास रहती है आपकी सुबह 8:30 बजे तो 12 बजे 12:30 तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। अब बात आती है बाबू फीस की, ट्रेनिंग की जो फीस है आपकी वन टाइम पेमेंट 5,000 है, और रहना और खाना आपका लगेगा कितना? 4,500 बताया होगा आपको, टोटल मिला के जो फीस है बाबू आपकी 9,500 रुपये। पहले महीने 9,500 देना पड़ेगा, अभी 5,000 में आपका GST भी लगेगा, वो अलग से नहीं लेंगे हम, सरकार को हमें देना पड़ेगा, ITR लगेगा, ग्राउंड का 45,000 महीना लगता है हमारा, समझ लो। तो कहने का मतलब इतना सा सोच समझ कर एडमिशन करवाना, जो चीज़ YouTube में बताइए, ग्राउंड YouTube पर यही आपका ऑफिस था, yes, मैं ही हूँ जी, yes. तो ग्राउंड भी वही रहेगा, खाना भी वही रहेगा, ट्रेनिंग भी वही रहेगी, लेकिन मेहनत करना आपका परम कर्तव्य है। दूर दराज से आए तो 2-4 दिन के लिए घर की याद आएगी, मम्मी की याद आएगी, दोस्त की याद आएगी, घर का खाना याद आएगा, घर के गांव के दोस्त भी याद आएंगे, समझ लो। तो जब तक आप माहौल में नहीं रह लोगे 3-4 दिन, तब तक थोड़ा बुरा लगेगा, और जैसे ही आपके यार दोस्त बन जाएंगे, दोस्त लोग बन जाएंगे, हमसे अच्छी दोस्ती हो जाएगी, क्लास डेली जाओगे, ग्राउंड डेली जाओगे, तो घर को भूल जाओगे, फिर आपको वर्दी दिखेगी, है ना, चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे और दुनिया देखेंगे आप कहना चाह रहे। जीवन एक संघर्ष है, वर्दी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़, ओके। तो साथियों ये वीडियो के माध्यम से आपको भी समझ में आया होगा, वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगा करो, इसको वायरल कर दो, शेयर कर दो। आइए आप भी इंदौर फिजिकल एकेडमी, इंदौर फिजिकल एकेडमी में स्पेशल SSC GD और इंडियन आर्मी भारतीय सेना दोनों की रिटर्न फिजिकल की तैयारी करवाई जा रही है, रिटर्न एंड फिजिकल। ट्रेनिंग की जो फीस है मात्र 5,000 रुपये और रहना खाना 4,500 महीना, तो लड़कियों को लगता है 5,000 महीना लगता है दोस्तों, ओके। चलो प्रणाम सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।